भगवान जगन्नाथ का इलाज कराने के लिए बुलाया गया वैद्यों को और मानस मंडल ने विश्राम करने का दिया निमंत्रण। सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। भगवान जगन्नाथ का इलाज करने के लिए पंडित दीनानाथ शास्त्री के नेतृत्व में वैद्यों के दल मंगलवार को लक्ष्मण बाग पहुंचा। यहां भगवान को वैद्यों ने लू का इलाज किया और दवाइयां दी। भगवान का श्रृंगार किया गया, लेप लगाए गए और स्नान कराया गया। गौरतलब है कि प्राचीन परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी लू लगने से बीमार पड़ जाते हैं और फिर इनके इलाज के लिए वैद्य बुलाए जाते हैं। सुनकर आश्चर्य जरूर होता है, लेकिन यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इसी परंपरा का निर्वाह आज भी लक्ष्मण बाग में किया जा रहा है। भगवान ठीक होने के बाद शहर में दर्शन देने के लिए यात्रा में निकाले जाएंगे। इस यात्रा के दौरान वह मानस भवन में विश्राम करेंगे। इस आशय हेतु मानस मंडल ने आमंत्रण भगवान को सौंपा। इस दौरान पंडित दीनानाथ शास्त्री, अनुपम तिवारी समेत भक्तगण मौजूद रहे। इस दौरान भगवान को आमंत्रण कुछ इस तरह दिया गया। शुचि वंदन है यदुनंदन का, उर पावन भाव प्रकाशित है। चरणा अर्पित मंजु प्रसून सदा, मन भक्ति तरंग प्रवाहित है। यह रथ यात्रा 14 जुलाई को निकाली जाएगी। यात्रा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रीवा के प्रतिष्ठित दवा व्यवसायी ओम प्रकाश भंसाली जी द्वारा दवा दी गई भगवान को व्यवस्थित, और हमारे मानस मंडल के द्वारा भी यहाँ पर भगवान को आमंत्रण देने के लिए हमारे अनुपम भाई अध्यक्ष मानस मंडल आए हुए हैं, और भगवान की विधिवत दवा इत्यादि हो गई है। हम लोग बारात कब निकलेगी और कहाँ कहाँ रुकेगी? बारात 14 तारीख को सायंकाल 4:30 बजे यहाँ से निकलेगी। राजा धीराज किला से आएंगे और भगवान यहाँ से निकल करके किला जाएंगे। किला के बाद भ्रमण करते हुए मानस भवन में विश्राम करेंगे। विश्राम कब होगा मानस भवन में? विश्राम होगा 14 तारीख को सायंकाल रात में मानस भवन में, और फिर इसके बाद? इसके बाद वहाँ भंडारा होगा सुबह प्रातः, वहाँ पूजा होगी मानस मंडल के द्वारा, और पूजा के बाद वहाँ भंडारा का कार्यक्रम शुरू होगा। भंडारा के बाद फिर पुनः वहाँ 4:30 बजे रथ यात्रा चल करके और पुनः लक्ष्मण बाग में समापन। आज जगत पिता जगत पति भगवान जगन्नाथ स्वामी के श्री चरणों में मानस मंडल परिवार आया है, और यह विनती यह निवेदन करने के लिए आया है कि जब आप रथ यात्रा में निकलें, भगवान दर्शन दें सारे बिंद की धरा के भक्त जनों को, तो रात्रि विश्राम मानस भवन में करें आप। उसके लिए हमारे मानस मंडल परिवार की विनती भगवान के श्री चरणों में निवेदन है। शुचि वंदन है यदुनंदन का, उर पावन भाव प्रकाशित है। चरणार्पित मंजु प्रसून सदा, मन भक्ति तरंग प्रवाहित है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा अर्थात सर्वज्ञ व्यापक शांत सनातन परमात्मा ही समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित हैं। उन्हीं प्रभु जगन्नाथ की अविरल कृपा और कल्याणमयी दृष्टि का प्रसाद समस्त रीवा नगर वासियों को प्रतिवर्षानुसार अहोभाग्य सुलभ हो, इसी प्रार्थना के साथ नतमस्तक भाव से प्रतीक्षारत हैं हम सब प्रभु चरणानुरागी। कृपा हो मानस भवन पदार्पण की अवसर रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया शनिवार विक्रम संवत 2075 दिनांक 14 जुलाई 2018। अनुपम तिवारी अध्यक्ष मानस मंडल रीवा समस्त मानस भवन परिवार